आपने जो बनाया है, जिसमें जो मेरा बड़ा फेवरेट, उसमें मैं रोई भी हूँ, पूरा घर है और उसमें शर्जीना की रोने की आवाज़ गूंज रही गूंज रही। वो घर जिसमें कुछ नहीं था, वहाँ फर्नीचर भी है, बड़ा प्यारा वॉलपेपर आ गया, खूबसूरत सा, लेकिन उसमें शर्जीना अकेली ऐसे रो रही है, एंड मुस्तफ़ा इज़ नॉट देयर। इतनी उस पर दुख हुआ कि यार पैसों का फ्रॉड होता मैं माफ़ कर देती हूँ, तो इसका मतलब है उसने छोड़ना नहीं था दिल को। ये एयरिंग वो वजह बनी है कि उसने कहा अब तो नहीं, मैंने बस इनफिडेलिटी है, उसने चीट किया है, अब जो है ना ये मैं इसको एंड तक ही पे लेके जाऊंगी। और दुख की बात है कि माँ बाप भी वहाँ होंगे, वो भी विटनेस करेंगे, उनको भी इन्विटेशन आया है, तो वो एक मेरे लिए बहुत, मतलब दोनों ट्रैक्स के इस वक्त आप सोचिए कि वहाँ पहुँच गया कि हमें दोनों का एक इंतज़ार है, अब क्या होगा, अब क्या होना है इनके साथ। तो एक ये इस तरफ, और दूसरी तरफ बेचारी शर्जीना हॉस्पिटल पहुंच गई, शी इज़ नॉट वेल, और वो जो सीन टॉक्सिक कुछ ना कुछ कंटेंट जिससे आग लग जाती है, और मैंने बड़े ड्रामों में देखा, बड़े राइटर्स में देखा, दुख हुआ इस पूरे सीरियल में एक लाइन नहीं थी। एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बोल देती हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पता है कि यार ये लाइन का क्या मतलब है, ढूंढ लें मजाल एक ऐसी लाइन मिल जाए जिससे आपको दुख हो, जो ऑफेंसिव हो, जिसमें हो कि यार ये नहीं कहना चाहिए था। इवन ड्रामेटिक लाइसेंस के लिए भी, जिस तरह नूरजहां में कुछ लाइन थी, तकलीफ तो हुई ना, लेकिन उसका लॉजिक था, बट ठीक है जी, बेटी क्यों, अगर बेटी पैदा हुई तो सर झुक जाएगा, इसमें ऐसा कहीं नहीं है। कि इवन के कोई जो बुरे कैरेक्टर्स भी है, कुछ ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको आग लगे, आग लगने वाली, कहीं भी एक भी लाइन ऐसी नहीं थी, ना जद पत्तों के बंद में, ना इसमें। तो इट इज़ पॉसिबल, अच्छे लिखने वाले हो तो ऐसा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। एंड कमिंग बैक टू दीज एपिसोड्स, आग लगी है लेकिन वो डिफरेंट तरह की लगी है, कि बड़ी दुख वाली लाइन्स थी, मुस्तफ़ा का ऐसा कहना। अब उसका लॉजिक भी है कि वो बच्चे को देखो ना, हम फैमिली प्लानिंग की जब बात कर रहे हैं तो वो उसका टाइम नहीं है, उसको कह रहा है प्लान करना चाहिए था, माँ तो अकेली इतनी बन रही, मैं भी बाप बन रहा हूँ। और जब उसको तब के कहती है कि ना तुम्हें नहीं चाहिए बच्चा, कह दो हाँ नहीं चाहिए बच्चा, दैट वाज सो पेनफुल। मुझे लगा मुझे किसी ने केक मारी पेट में, ऐसे आपको हिट करता है वो जुमला, बिकॉज किसी भी औरत के लिए सुनना अपने हस्बैंड से कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, वेरी पेनफुल। तो उसने कह दिया, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है जिससे शदीद तकलीफ हो रही है, लोग नाराज भी हैं मुस्तफ़ा से, शर्जीना से भी कुछ लोग नाराज़ हैं, पता इसको क्या हो गया है, ये समझ क्यों नहीं रही उसकी सिचुएशन पे। लेकिन इस दफ़ा मुझे मुस्तफ़ा से ये इख्तलाफ था, राइटिंग में इख्तलाफ भी नहीं, बस एज ए कैरेक्टर उसको टेक्स्ट तो कर दो यार, मना, वो कह रही है बना लो, बना ही नहीं रहा, फ़ोन नहीं कर रहा, फारिग भी बैठा है तो बात नहीं कर रहा, ये क्या हुआ, इतना गैप कैसे आ गया। मैंने उसमें नादी जो एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी ना, कुछ लोग वेट करते हैं कि हम जब किसी को मनाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, तो एक ज़्यादा जैसे वो कहते हैं कि जब मुझे यहाँ से इतने पैसे मिलेंगे, मेरी डील डन हो जाएगी, मैं फिर उसे मनाऊंगा ताकि वो खुशी ज़्यादा हो। आपका क्या ख्याल है? देखें, बाज़ दफ़ा अच्छी चीज़ ये है कि जो हानिया से काफ़ी ख़वातीन ने रिलेट किया, मुस्तफ़ा फहद से भी काफ़ी लोगों ने रिलेट किया, तो इसमें हम लोगों के साथ ऐसा होता है जेंट्स के साथ कि बाज़ दफ़ा वो इतना काम में बिज़ी हो जाते हैं, इतना काम में बिज़ी हो जाते हैं कि वो जो ख़वातीन की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कहा कि एक छोटा सा टेक्स्ट हो जाता, वो उस वक्त उसको मुस्तफ़ा को शायद ना ख्याल हुआ हो। शायद मैंने इसलिए कहा कि देखें, ये ना फ़खत ने बहुत अच्छा लिखा है कि किसी को वाइट नहीं दिखाया, किसी को ब्लैक नहीं दिखाया, और एक्चुअली हम लोग सब ग्रे शेड के और दोनों की जगह ठीक भी है, हाँ, बस कम्युनिकेट सही नहीं कर रहे, ऐसे ही है, कुछ चीज़ें मिस हुई हैं, दोनों से मिस हुई हैं। और आई थिंक हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है, कोई भी एक हेल्दी रिलेशनशिप होगी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्पेशली यंग पीपल, हाँ, और जब नए न्यूली कपल में तो ये होता है। और ऐसी सिचुएशंस हमने दूसरे ड्रामों में देखी, बट लाइंस इतनी ड्रामाई होती थी, और क्या होता था, एक ने बात किया दूसरा चला गया, कमाल यहाँ ये कि एक जाता है दूसरा उसके पीछे आके पकड़ता है, यार मेरी बात फिनिश करने दो, दोनों की लैंग्वेज इतनी सिंपल है कि लगता है मैं बोल रही हूँ, ये मेरी मुँह की जबान है, मेरे अल्फाज हैं, बनाए हुए नहीं है, कहीं भी ड्रामा इस तरह से फलसफा नहीं है, नहीं आप बिल्कुल सही, सो सिंपल कि समझ आता है कि यार सही तपे में। इसमें सही इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब हानिया आके बोलती है ना, और जब पहला जवाब देता है कि नहीं चाहिए, तो मैंने कहा इसे कितनी बड़ी बात बोल दी है, लेकिन उसके बाद जब डिस्कशन आगे चलता है और वो अपना जवाब देता है ना, तो फिर आप कहते हो ये भी ठीक कह रहा है, तो वो मतलब तो वो जो कमाल कितना है, बदर महमूद कह रहे हैं कि वो ग्रे में थे, ग्रे में है, जैसे हर इंसान होता है, कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, वो कितनी सही बात कर रहा है, कह रहा है प्लानिंग करके करते हम उसको क्या इस गंद कबाड़ में रखेंगे, बड़ा होकर क्या देखेगा, मैं इसको ये दे रहा हूँ, तो और वो जब अपने ऑफिस में भी बोलता है कि मेरा बच्चा ये देखेगा, मुझे नहीं ये चाहिए, कि वो बाप को एज ए लूजर देखे नहीं,
और वो जो उसका सीन था वो तो खैर हम आपके ऊपर आएंगे तो बात करेंगे, बट फिर उसके बाद हानिया का ये कहना कि अगर उसने इस मुस्तफ़ा ने बड़े होकर तुम्हारे जैसे ही बनना है तो अच्छा है पैदा ना हो, रुला दिया। बहुत बहुत खूबसूरत लाइन्स थी, दे वर जस्ट नंबर्स, दे वर जस्ट ब्यूटीफुल। अब जब पत्तों का पन भी है ना इस दफा तो फिर आप देख लें, आपने नाइन तो है। बदर साहब का काम कैसा लगा आपको? हाय बदर का इस दो, ये भी आगे हम और मजे, एक और जगह गाहे बगाहे टॉर्चर करते रहेंगे। मुझे कितनी प्यारी लाइन लगी जो पहले मैं नहीं मेंशन की, जावेद शेख की इतनी अच्छी उनकी लाइन थी कि रिटायर्ड और बीमार शोहर की बीवी के आगे उसकी कोई इज्जत नहीं होती, रिटायर्ड या बीमार शोहर की उसकी बीवी के आगे कोई इज्जत नहीं होती। एंड द वे ही वाज सेइंग इट, अच्छा बुशरा जी के आपने शूट बड़ा प्यारा किया कि वो उनको फेस नहीं कर रही उनके एक्सप्रेशंस और उसी पीछे उनकी वो कन्वर्सेशन विद द डॉटर के घर तो बिक गया, तुम्हारी माँ ने कहा मैंने बेच दिया चला गया, हो गया आ गए बहू के पड़े हुए दर पे, घर पे पड़े जलील हो रहे हैं। बहुत प्यारा एक वो शॉट, ऊपर से जो बहुत जिस शॉट ने मुझे रुलाया, मुस्तफ़ा का गंदी वहाँ इलाके में बैठा हुआ है, वहाँ एक बच्चा रो रहा है और वो जिस तरह उसको देखता है ना, बहुत खूबसूरत था। वो बच्चा रो रहा है और उसको लगता है कि ये मेरा ही बच्चा होगा और यहाँ इधर रो रहा है और उसको बुलाता है और वो गायब हो जाता है। वैसे इसका इसके पीछे क्या मतलब था, इमेजिनेशन थी? ऐसा नहीं है कि मुस्तफ़ा बच्चा नहीं चाहता है, ये आई थिंक उसका, उसकी एक किसको नहीं चाहिए बच्चा, बिल्कुल चाहता है वो। और मुस्तफ़ा का मसला ये है कि जो उसने अपनी ज़िंदगी में सब सहा है कि एक रिजेक्शन मिली अपनी फैमिली के एंड से, फिर उसको ये समझ आ गया कि पैसा ही सब कुछ है, तो वो ये चाहता है कि बेटा ऐसा ना हो, औलाद ये सब चीज़ें फेस ना करे। डेफिनेटली वो बच्चा चाहता है, वो उसकी इमेजिनेशन है। बहुत 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 खूबसूरत, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था वो कि एक बाप किस चीज़ से गुजरता है उस वक्त। बाप के एक्सप्रेशंस खत्म, जो उसकी आंखों में था ना, मतलब आपको क्लियर हो जाता है कि ये बच्चों के अगेंस्ट नहीं है या इसको करने नहीं है, ये वो ही वांट्स द बेस्ट फॉर हिज चाइल्ड और उसको नज़र भी वो बच्चा आ रहा है और वो बस, और उस जगह आपने जिस तरह शूट किया है ना कि सड़क पर बैठा हुआ है और वो वहाँ बच्चा है और वो सोच रहा है मैं इसको दूंगा क्या आगे, तो बहुत बहुत प्यारा सीन, इतना प्यारा वो शूट हुआ है। फिर शर्जीना का रोना, शर्जीना का पूरे एको और जो फील के साथ, एक तो ना ऐसी रो रही होती है, रो वहाँ रही, आवाज़ें आ रही है उस घर में, उसकी चीख, मतलब चीखे तो नहीं क्या, रोने की गूंज, इज़ वेरी वेरी पेनफुल। अच्छा तीन OSTs, बड़ा स्मार्ट काम था, मेहनत वाला काम था, ये करते नहीं लोग, एक एक OST को चाहे चले या ना चले लेकिन तुम तड़का शुरू से आखिर तक मार रहा है, जी रहा है, प्यार है, कुछ भी वो ही गाना चल रहा होता है क्योंकि एक ही OST है। हमने तीन तीन बना लिए, कैसे 7 stages को हमने डिवाइड किया था कि इतने स्टेजेस पे ये चलेगा, इतने स्टेजेस पे ये चलेगा। ओह वेरी नाइस, वाज प्लान्ड, प्लान्ड। और ये जो है ना दिल तोड़िया, बड़ा ही बहुत प्यारा, ये किसके अल्फाज गाने होते थे, मतलब लिरिक्स ये किसने लिखे? मुख्तलिफ लोगों ने लिखे हैं, गाने बने हुए थे या आपने बनवाए? नहीं बनवाए, बनवाए सब बनवाए विद द सिचुएशन। जी जी, अलाकार्ट, अलाकार्ट कहते हैं इसको, ये अलाकार्ट था मेन्यू में, अपने अपनी पसंद से बनवाए, ब्यूटीफुल। और बस लुकिंग फॉरवर्ड टू द एपिसोड्स, इतना कुछ लिखा है, बहुत मज़े का। एंड आई जस्ट वांट टू से रियली थैंक यू, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे लिए एंटरटेनिंग एज वेल एज बहुत फ़खर की प्रोडक्ट है, इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है इसको देख के। थैंक यू सो मच, एंड बदर इज़ अ 10। मैया जी, व्यूअर्स को के दरमियान में मौत आए ना आए, नादिया खान जरूर आ चुकी है। मैं तो बीच में बैठी हुई होगी, इंशाल्लाह आखिरी एपिसोड में सिनेमा में आप भी आइएगा हमें देखने। अल्लाह इनको खुश रखे, माशाल्लाह कोई भी ना मरे, मेरी तो यही दुआ है। आखिरी में जाते जाते आपसे सिफारिश ही कर सकती हूँ कि किसी को ना मारिएगा, अगर मार चुके हैं तो दोबारा रीशूट कर लें। एनीवेज बाकी इतनी प्यारी लाइनें मुस्तफ़ा की, मुझसे ज़्यादा फैसल उसकी मुझे समझा रहे होते हैं, पॉज किया हमने 5-6 दफ़ा, नहीं क्या मतलब, नहीं क्यों ऐसे करा, नहीं देखो तुम समझो इसको, ये सोच रहा है, ही इज़ राइट। तो एज अ मैंस पर्सपेक्टिव मुझे फैसल इस तरह समझा रहे थे, मुझे लगा हाँ यार लॉजिक तो है, ये इसलिए ऐसे कर रहा है। लेकिन बड़ी प्यारी लाइंस विद इमोशंस के, तुम्हारा बच्चा तुम माँ हो, मैं भी तो उसका बाप हूँ, और ये हालात है हमारे बच्चे रखने के, मेहनत कर रहा हूँ और करूँगा द वे ही सेज इट, तो वो लाइनों में ऐसी जान आ जाती है। फिर मुस्तफ़ा का, और जब वो रुक के म्यूजिक चलता है, वो सिर्फ देखता है ना, जब शर्जीना को, जब शर्जीना पंच मारती है किसी बात की, और वो ऐसे जब उसको देखता है ना,
उसको फील होता है मैंने क्या हर्ट किया यार, मैंने कह तो दिया है लेकिन अब हर्ट है। फिर उसका रात को घर आना, अरे दानिश सदीकी को तो उठवाना पड़ेगा पक्का, जो ये तंग कर रहे हैं दोनों के बीच में आए ना, हाँ भाई घर पहुँच गया वापस आओ, भाई क्यों वापस आओ, हाँ फिर क्या कर रहे, फिर आ जाओ और तैयारी कर ले, वो सबसे बड़ा दुश्मन इन दोनों के जो बीच में आए। बच्चा शहाब कहाँ से आपने, बहुत अच्छा लाइन कैरेक्टर, बड़ा अच्छा था भाई, गैंगस्टर लग रहा है लेखक आके, लेकिन डिस्कस किया ना आपने? हाँ डिस्कस किया, डिस्कस ऐसा नो नो आई थॉट ही वाज गुड, तो पूरा चैप्टर था हमारे शो में, सेगमेंट था, वेरी नाइस। तो हम कहा क्या कह रहे थे, फहद, फहद मुस्तफा, फहद पे वापस आते हैं। और फहद का वो बाकी जो एक्सप्रेशन, म्यूट सीन है जब वो बच्चे को देख रहा है, जिसमें उसने उसकी आंखें जो रोता भी नहीं और आंखें भरी हुई होती है ना, जिस तरह खत्म, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा।